कि अंदर मेरी एवरेज बाइंग है 1300 रुपए, ये मैंने 3500 रुपए भी खरीदा था, उसके बाद में मैंने भाव के 800 रुपए के भी लिए, फिर मैंने 800 रुपए पे भी खरीदा था, तो कैसे करके मेरा ये एवरेज तो 1300 गया है। तो ऐसा मतलब आपने और 800 में भी खरीदा हुआ है, जिद कर ली थी कि यार इससे तो पैसा कमाना ही है, चाहे जिधर जाए मैं और खरीदूंगा, है ना, जिद थी ना। ओके, देखा सर्वेन जी, जिद का फायदा, जिद है जीत की, और इन्होंने जीत की जिद लगाई और क्या जबरदस्त फायदा, 6000 का स्टॉक है, 1348 की कॉस्ट है। अब सवाल इनका ये है कि क्या किया जाए, इसमें समय की कोई चिंता नहीं है, क्या ये 10000 जाएगा? देखिए, जब कहते हैं कि क्या ये 10000, जब क्या लगाते हैं, देखिए मैथमेटिकली हमेशा हर चीज की प्रोबेबिलिटी रहती है कुछ परसेंट, तो अब ये 10000 जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, और इतना बढ़िया पीछे मोमेंटम देखे आया है कि पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां जाए, बट अगर उस तरह का अभी कह रहे हैं स्टॉक मेरा डबल इनको यहां से भी चाहिए, तो फिर 18-24 महीने के होराइजन लेके चलें, क्योंकि पीछे से बहुत बढ़िया चल के आया है, तो कहीं ना कहीं एक जब आप भागते हैं बहुत ज्यादा तो आप सांस भी लेंगे, तो आपको सुस्ताने सांस लेने के लिए भी जगह चाहिए, और आई थिंक वो रेंज इसकी बनेगी, अभी नहीं बनी तो 100-200-500 रुपए आगे पीछे वो रेंज बनेगी, और मुझे लगता है एक बड़ी रेंज यहाँ, मुझे लगता है 4500 से लेके 6000 के बीच में एक रेंज बनेगी, इतनी बड़ी नॉर्मल रेंज, एकदम नॉर्मल रेंज है, 20-25% के साइडवेज कंसोलिडेशन में स्टॉक जाएगा, और 6-9 महीने लगेंगे उस रेंज को कंप्लीट होने में, और फिर चलेगा। तो आई थिंक अगर ये उस ड्रॉडाउन से कंफर्टेबल है, 4500 तक के ड्रॉडाउन से इस साल ये कंफर्टेबल है, तो ट्रेड में बने रहे मेरे हिसाब से। बताओ भाई संजय जी, 4500 तक गिरे, घबराओगे तो नहीं? सर मैंने बताया ना, जब ये 3500 पे खरीदा था, उसके बाद 800 के दिन भी देखे हैं। ये बात है, देखा सर्वेन जी, डर का तो कोई खेल ही नहीं है, 3500 से 800 तक खरीदा है, 10000 लेके मानेंगे। ये लकी है कि इनका शेयर ठीक है, शेयर अच्छा है इनका, इसलिए लकी है, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हर जगह काम नहीं आता। मिड कैप स्टॉक्स कुछ जो जंगली टाइप के होते हैं उनमें कई बार फंस जाते हैं लोग इस तरीके से। नहीं, संजय जी ने बड़ा दिमागी काम किया। देखिए फोर्स मोटर्स एक बड़ी प्रमुख कंपनी है पूना की, मर्सिडीज के लिए इंजन बनाते हैं, BMW के लिए इंजन बनाते हैं, चेन्नई में नया प्लांट डाला है, एक बड़ा वो बुरा वक्त था इसका, काफ़ी नीचे गया, लेकिन अभी देखिए तूफान की तरह तेजी दिखाई इसने। तो संजय जी, अगर आप समय दे सकते हैं और ड्रॉडाउन की कोई चिंता नहीं जैसा कि आपने बताया भी, तो आपको फिर होल्ड करना चाहिए इसको। डेफिनेटली ये जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो होता, जो आदमी जो अच्छे मन से सोचता है वो हो भी जाता है, मुझे लगता है।